मोहब्बत करता हूँ उससे और हमेशा मोहब्बत करता रहूँगा मैं। तो फिर तुम उसे मोहब्बत करना छोड़, वरना तुम्हें अजियत हो। हमदान बीमार है या ठीक, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द हमदान से तलाक ले लो या फिर उसके पास वापस चले जाओ। ना खुद मंझदार में रहो और ना ही उसे रखो। एहसान फरामोश ड्रामा जैसे जैसे आगे जा रहा है, फलक भी अपनी तबाही की तरफ जा रही है। अब हमजा और फलक के अलहदा होने के बाद तो फलक के लिए अपना रास्ता साफ हो गया है। फलक जैसी एहसान फरामोश शायद ही कोई होगी जिसको इतना अच्छा घर और शोहर मिला, मगर उसके लालच ने उसकी जिंदगी तो खराब की ही है। अब झूठ बोल बोल कर उसने निवाल और हमजा को भी दूर कर दिया। अब फलक इस कदर गिर जाएगी निवाल ने नहीं सोचा। फलक मैडम अपना लॉस पूरा करने के लिए हमजा से शादी कर लेगी। फलक की तो काफी देर से हमजा की दौलत पर नजर थी, अब वो उसे हासिल कर लेगी। और हमजा भी अपनी मोहब्बत जिसके पीछे इतना जलील हुआ, अब सिर्फ निवाल से बदला लेने के लिए उसे छोड़कर फलक जैसी एहसान फरामोश लड़की से शादी कर लेगा। जबकि दूसरी तरफ नवाल और कबीर काफी क्लोज होते जा रहे हैं। नवाल इल्हाम का काफी ख्याल रखती है, इसी वजह से कबीर नवाल से शादी कर लेगा। कौन कौन कबीर और नवाल को एक साथ देखना चाहता है, कमेंट में लाजमी बताइएगा। हमजा भी फलक से शादी के बाद पछताएगा ही, जब फलक का असल चेहरा उसके सामने आएगा कि कैसे उसने झूठ बोल बोल कर नवाल को हमजा से दूर किया, तब वो भी फलक को छोड़ देगा। जबकि आखिरी ठिकाना फलक का हमजा ही था। जब हमजा भी उसे छोड़ देगा तब वो सड़क पर ही आ जाएगी, कोई भी उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन कौन फलक का बुरा अंजाम देखना चाहता है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मजीद ड्रामास अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।